दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है। हालांकि वैसे तो बहुत सारे वीडियोस मार्केट में बने हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी एडवाइजरीज, गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च करके बहुत सारा एडवर्टीजमेंट बता रही है लोगों को कि कोरोना वायरस से अपने आप को कैसे बचाएं, लेकिन इस बीच में एक बहुत ज़्यादा जो निगलेक्टेड चीज़ है वो है आपका फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर इतने बैक्टीरिया जितना आप कभी सोच नहीं सकते। हज़ारों बैक्टीरिया होते हैं आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, और इसी गंदी चीज़ को आप पता नहीं दिन में पता नहीं कितनी बार टच करते हैं, कितनी बार अपने कान के पास लेके जाते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर वायरस है, आपने सारी चीज़ें फॉलो करी, आपने मास्क पहना है, आपने सारी चीज़ें की है, हैंड वॉश किया है, सैनिटाइजर का यूज़ किया है, एंड स्टिल उसके बाद जब आप बात करते हैं तो आप अगर अपने कान के पास अगर इतना पास मगर इस गंदी चीज को लेके जाते हैं तो शायद आपका खतरा और बढ़ जाता है कोरोना से इन्फेक्ट होने का। तो इसी वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने फोन को सही तरीके से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मैं कहूँ सैनिटाइज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर, और आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों करें स्टार्ट। दोस्तों बहुत सारे रिसर्च पेपर्स या बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी है कि आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा गंदी होती है। सीरियसली बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है ऑलरेडी, और हम सब जानते हैं कि हमारे फ़ोन या हमारे कीबोर्ड्स बहुत गंदे होते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ और भी ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेती है कि जब कोरोना वायरस जैसा एपिडेमिक या फिर आप कह सकते हैं महामारी फैल रही है दुनिया के अंदर, और WHO इसको महामारी घोषित कर चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को बेसिकली मैंने दो भागों में डिवाइड किया है कि आपको क्या नहीं करना है अपने फ़ोन को डिसइंफेक्ट या सैनिटाइज करने के लिए, और लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है। बेसिकली बहुत सारे लोगों को दिमाग में एक मिथ है कि यार फ़ोन को कुछ नहीं करना, अल्कोहल के अंदर डिप करके निकाल दो आपका फ़ोन सैनिटाइज हो गया। दोस्तों आपका फ़ोन थोड़ा बहुत सैनिटाइज हो भले ही उससे हो जाए, लेकिन आपके फ़ोन की कंपोनेंट्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, वो फ़ोन ख़राब हो सकता है, आपका फ़ोन डेड हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है, आपके फ़ोन को किसी भी सोप वाले सॉल्यूशन में नहीं डिप करना है। बहुत सारे लोग कहेंगे यार मेरा फ़ोन तो IP68 सर्टिफाइड है, तो किसी भी सोप या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपको डिप नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आएगी और फ़ोन आपका ख़राब हो सकता है। तीसरी बात, आपका फ़ोन अगर कहीं प्लग्ड है, कहीं चार्ज हो रहा है, उस समय भी आपको अपने फ़ोन के ऊपर किसी तरह का लिक्विड से कोई क्लीन करने की कोशिश नहीं करनी, इससे अगेन फ़ोन ख़राब हो सकता है, आपको एकदम तगड़ा वाला झटका लग सकता है। और लास्ट चीज़, जैसा कि आपको सबको पता है कि अपने फ़ोन को किसी भी हार्श क्लॉथ या फिर रफ क्लॉथ से रब नहीं करना है, एकदम रगड़ रगड़ के उसको साफ़ करने की कोशिश नहीं करनी है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको अपने फ़ोन को कैसे सैनिटाइज करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन स्टिल दे आर वर्थ इट एक्चुअली। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप अपने फ़ोन को कैसे क्लीन कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन को कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिन के अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी कम से कम 5 से 6 घंटे अपने फ़ोन के ऊपर चिपका रहता है, एटलीस्ट कभी कॉल लेने के लिए, या फ़ोन पे 1-2 घंटे हमारी बात हो ही जाती है नॉर्मल लोगों की। और जो लोग कम यूज़ करते हैं, जो सोशल मीडिया वगैरह पे कम यूज़ करते हैं, तो उनके लिए सुविधा थोड़ा कम हो, क्योंकि ये चीज़ वनरेबल इसलिए भी है कि आप बाथरूम में गए, हाथ धो के आए, उसके बाद वापस आके अपना फ़ोन के अंदर एक मैसेज चेक किया, अपने हाथों को कंटामिनेट कर दिया जो भी उसके ऊपर बैक्टीरियाज या वायरसेस हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एप्पल ने भी ऐसा कन्फर्म किया है कि अगर आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन को या फ़ोन को अगर क्लीन करना है तो आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे यार ये कौन सा टर्म फेंक के मार दिया, तो दोस्तों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक छोटी सी बॉटल के अंदर आपको मिल जाएगा, किसी भी कॉमिस्ट या किसी भी जनरल स्टोर के ऊपर 20-30 रुपए का ये बॉटल मिल जाएगी। इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी आप नॉर्मल सॉफ्ट क्लॉथ या माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर, आप इसको 2-3 ड्रॉप्स डिप करके अपनी स्क्रीन के ऊपर जेंटली आप रब करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन को भी साफ करेगा और साथ ही उसको डिसइनफेक्ट कर देगा। इनफैक्ट आपका जो हैंड सैनिटाइजर आता है उसके अंदर भी आपका 60-70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, जो आपको जो अपने हाथ के ऊपर लगाते हैं एकदम ठंडा ठंडा लगता है, डेट इज एग्जैक्टली द सेम। और हाँ दोस्तों, आप क्लोरॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर नहीं मिल रहा है इजीली, तो क्लोरॉक्स भी आप यूज़ करना चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा तरीका आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं कोरोना से इन्फेक्ट होने के लिए, तो दोस्तों जहां तक हो सके अपने फोन को यूज ना करके अपने हेडफोन्स को यूज कर अपने फोन को पॉकेट के अंदर रखिए। मतलब घर से आप निकल रहे हैं, फोन को डिसइंफेक्ट आप कर दिए या फिर सैनिटाइज कर दिए, उसके बाद फोन को अपने पॉकेट में रखें, ये फोन्स यूज करें जहां तक हो सके इट्स इफ पॉसिबल, क्योंकि आपकी स्क्रीन से कॉन्टैक्ट नहीं आएगा। अदरवाइज होता क्या है कि इतना सॉफ्ट टारगेट आपका फोन की, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में फ़ोन है, किसी बंदे ने छींक दिया, आपने मास्क मुंह पे लगा रखा है, सारी चीज़ें कर रखी है, हाथ में ग्लव्स भी पहन रखे हैं, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर ड्रॉपलेट्स आ गए, देन अगेन आपने कान पे चिपका लिया, तो अगेन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि फ़ोन को कम से कम यूज़ करें, मामिन पॉकेट में रखें जब भी आप कभी किसी पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो, और हेडफोन्स यूज़ करेंगे तो आपका ये जो स्क्रीन है ये गाल के ऊपर टच नहीं होगा और आपका कोई भी बीमारी से इन्फेक्शन होने का खतरा एकदम कम रहेगा। और दोस्तों इसी बीच आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला ये कि आप अपने फ़ोन की केस को भी रिमूव करके उसको क्लीन करें, दूसरा ये कि जब भी आप ये प्रोसीजर करें आप एकदम ग्लव्स वगैरह पहन के यूज़ करें, और बहुत ज़्यादा
फाड़ू वाले ग्लव्स लेने के लिए नहीं कह रहा, मतलब बहुत ही नॉमिनल रेट पे ग्लव्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, बहुत ही सस्ते आते हैं। तो ये आप ग्लव्स पहन के या आपके घर में अगर आपने कभी हेयर डाई वगैरह किया हो तो उसके साथ जो ग्लव्स आते हैं वो पहन के भी आप ये काम कर सकते हैं। और दोस्तों इस बीच एक दो मिथ्स भी हैं कोरोना वायरस के बीच में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार अब तो मैं अचानक से कुछ मंगाऊंगा ही नहीं, मेरे को यार ये चीज़ मंगानी थी लेकिन अब मंगाना ठीक नहीं होगा। दोस्तों कोरोना वायरस जो कि एक वायरस है किसी बॉडी के ऊपर वो जीवित रहता है, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल चाइना से अगर कुछ ऑर्डर करके मंगा रहे हैं तो एक या दो घंटे या तीन घंटे मैक्सिमम उसकी सरफेस के ऊपर वो रहेगा, उसके बाद वायरस खत्म हो जाएगा। अभी तक जो रिसर्च है उसके हिसाब से यही है, बाकी WHO की जो एडवाइजरी है वो आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, आप इसको डिटेल में चेकआउट कर लीजिएगा। आप भी सुरक्षित रहिए और अपने को भी सुरक्षित रखिए, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और हाँ इस वीडियो को तो मैं स्पेसिफिकली आपको जोर देकर कहूँगा कि यार शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि उनको हो सकता है कि थोड़ा कुछ ज्ञान मिल जाए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। We'll be right back.